कर रहा है। और जिसकी दिशा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खुद दिखा रहे हैं, वो भारत का निर्माण करना अब संभव है। लाइक जनरेशंस ऑफ इंडियंस बिफोर अस, वी हैव ऑल सीन अ ड्रीम फॉर आवर बिलव्ड नेशन। द टाइम हैज कम फॉर अस टू टर्न दैट ड्रीम इनटू अ रियलिटी। वी हैव द लीडरशिप, द रिसोर्सेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिजॉल्व टू मेक इट हैपन। वी The citizens of East and Northeast India have been the torch bearers of defining movements, growth, and development, both in pre and post-independence India. Over the last few years, the Eastern India has taken tremendous strides in infrastructure and economic development. The upswing, which is temporarily paused due to COVID-19 pandemic and relief efforts of the Amphan super cyclone, has not lost its momentum. We will soon get back to being the engine of economic development that drives us towards realizing our dream of an Atmanirbhar Bharat. On behalf of Indian Chamber of Commerce, I would like to thank our government for their unparalleled support and guidance. हम सभी इस नव भारत के निर्माण में आपके साथ हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं। मैं एक बार फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, मे आई नाउ रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर योर थॉट्स एंड विजन विद अस। थैंक यू। नमस्कार। आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन ना? 95 वर्ष से निरंतर देश की सेवा करना किसी भी संस्था या संगठन के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आईसीसी ने पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, विशेषकर वहां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, वह भी हिस्टोरिकल है। आईसीसी के लिए अपना योगदान देने वाले आप सभी को इन 95 वर्ष में जिन जिन महानुभावों ने योगदान दिया है, उस प्रत्येक महानुभाव का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आईसीसी ने 1925 में अपने गठन के बाद से आजादी की लड़ाई को देखा है, उस लड़ाई को जिया है। सरकारों से मुसीबतें भी झेली है, भीषण अकाल और अन्य संकटों को देखा है, विभाजन को देखा है। विभाजन की उस पीड़ा को आपने सहा है और भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का भी आप हिस्सा रहे हैं। अब इस बार की एजीएम एक ऐसे समय में हो रही है जब हमारा देश मल्टीपल चैलेंजेस को चैलेंज कर रहा है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं। कहीं फ्लड की चुनौती, कहीं लॉकस्ट जो बंगाल में जिसको पोंगोपा कहते हैं, पोंगोपा का कहर, कहीं ओलावृष्टि, कहीं असम में ऑयल फील्ड में आग, कहीं लगातार छोटे छोटे अर्थक्वेक की खबरें। ये भी कम ही होता है कि पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र में एक के बाद एक दो साइक्लोन्स चुनौती बनकर के आए। ऐसे तमाम फ्रंट्स पर हम सभी एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। कभी कभी समय भी हमें परखता है, समय भी हमारी कसौटी करता है, परीक्षा लेता है।
कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व, हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। किसी कसौटी से हम कैसे निपट रहे हैं, मुश्किलों से कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, ये आने वाले अवसरों को भी तय करता है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है, उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही ज्यादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं। साथियों, ये हमारी एकजुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की दवाई, मुसीबत की एक ही दवाई है, मुसीबत की दवाई मजबूती है। मुश्किल समय ने हर बार भारत के डिटर्मिनेशन को अधिक स्ट्रेंथन किया है। एक नेशन के रूप में देशवासियों के रिजॉल्व को ऊर्जा दी है, संकल्प को शक्ति दी है। यही भावनाएं आज आईसीसी के आपके मेंबर के चेहरे पर भी और देशवासियों के चेहरे पर भी मैं देख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। करोड़ों देशवासियों के प्रयासों में मैं एक नई आशा देख सकता हूं, नया विश्वास देख सकता हूं। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का ये भाव बरसों से हर भारतीय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है, लेकिन फिर भी एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है।
ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते, काश हम एडिबल ऑयल में, फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम सोलर पैनल्स, बैटरीज और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश, हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। साथियों, हम देखते हैं परिवार में भी संतान, बेटा हो या बेटी, 18-20 साल का हो जाता है तो मां बाप उसे सबसे पहले कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। हर परिवार में सुना होगा, आप जो मुझे सुन रहे हैं सबने सुना होगा कि 18-20 साल की उम्र में उनके मां बाप ने उनको कहा होगा कि बेटे बेटी अब अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही शुरू होता है। भारत को भी अपने पैरों पर ही खड़े होना होगा। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। इसके अलावा हर वो सामान जो भारत का लघु उद्यमी बनाता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले, जो सामान हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े करोड़ों गरीब बनाते हैं, जो दशकों से हमारे यहां बनता रहा है, गलियों मोहल्लों में बिकता रहा है, उसे छोड़कर विदेश से वही सामान मंगाने की प्रवृत्ति, इस पर भी हमने आत्मसंयम बरतना है, हमें नियंत्रण करना है। हम इन छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों से केवल चीज ही नहीं खरीदते, पैसे ही नहीं देते, उनके परिश्रम को पुरस्कृत करते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। कभी सोचना, आप मर्सिडीज गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और फुटपाथ पर छोटी चीज बेचने वाले की चीज आपने उतर करके खरीदी, वो पैसे नहीं गिनेगा, वो उसकी छाती फूल जाएगी, देखिए मर्सिडीज गाड़ी वाला भी फुटपाथ पर मैं भले बैठा हूं लेकिन उतर करके मेरे से सामान खरीद रखा है, उसकी जिंदगी को एक ताकत मिलती, उसको सम्मान मिलता है। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता
कि इससे उनके दिल पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो कितना गर्व महसूस करता है। इसलिए अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। साथियों, सालों पहले, दशकों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, द सिंपलेस्ट मेथड टू बी वर्क अपॉन एट प्रेजेंट इज टू इंड्यूस इंडियंस टू यूज देयर ओन प्रोड्यूस एंड गेट मार्केट फॉर इंडियन हार्डवेयर इन अदर कंट्रीज। स्वामी विवेकानंद जी का बताया ये मार्ग पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भारत की प्रेरणा है। अब देश प्रण कर चुका है और देश कदम भी उठा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है, उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। एमएसएमई की डेफिनेशन, सालों से लटकी हुई बात, उसका दायरा बढ़ाना हो या एमएसएमई के सपोर्ट के लिए हजारों करोड़ के स्पेशल फंड्स की व्यवस्था हो, ये सब आज सच्चाई बन रहे हैं। आईबीसी से जुड़ा फैसला हो, छोटी छोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज करने का फैसला हो, इन्वेस्टमेंट की फास्ट ट्रैकिंग के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का गठन हो, ऐसे अनेक कार्य पहले ही हो चुके हैं। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आए, आगे आए। मेरे युवा साथी, आप आगे आए। साथियों, किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। साथियों, चाहे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, चाहे एमएसपी का फैसला हो, उनकी पेंशन की योजना हो, हमारा प्रयास किसानों को सशक्त करने का है। अब किसानों को एक बड़ी मार्केट फोर्स के तौर पर विकसित होने में सहायता की जा रही है। साथियों, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें भी सभी के लिए अवसर भी मौजूद है। जिन जिलों, जिन ब्लॉक्स में जो पैदा होता है, वहीं आसपास इनसे जुड़े क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट किसानों के लिए पास में ही जूट आधारित उद्योगों को
और मजबूती दी जाएगी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अपार संपदा जुटाने वाले आदिवासी साथियों को उनके क्षेत्र में ही आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बांबू और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी क्लस्टर्स बनेंगे। सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है। आईसीसी के साथ जुड़े आप सभी व्यापारी अगर ठान ले तो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के ग्लोबल मार्केट पर छा सकते हैं। साथियों, आप सभी नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत में इतने दशकों से काम कर रहे हैं, सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं इनका बहुत बड़ा लाभ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को होगा। मैं समझता हूं कि कोलकाता भी खुद फिर से एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। अपने पुराने गौरव से प्रेरणा लेते हुए भविष्य में कोलकाता पूरे क्षेत्र के विकास का नेतृत्व कर सकता है। आपसे बेहतर और कौन जानता है कि जब श्रमिक पूर्व के, संपत्ति पूर्व की, संसाधन पूर्व के, तो इस क्षेत्र का विकास कितनी तेज गति से हो सकता है। साथियों, 5 साल बाद यानी वर्ष 2025 में आपकी संस्था अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। वहीं वर्ष 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये आपकी संस्था के लिए, आपके प्रत्येक सदस्य के लिए, आपकी कोई भी औद्योगिक इकाई हो या व्यापारिक इकाई हो, बेहतरीन समय है एक बड़ा संकल्प लेने का। मेरा आपसे आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को चरितार्थ करने के लिए आईसीसी भी अपने स्तर पर 50-100 नए लक्ष्य तय करें। ये लक्ष्य संस्था के भी हो, इससे जुड़े हर उद्योग और व्यापारिक इकाई के भी हो और हर व्यक्ति के भी हो। अब जितना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे उतना ही ये अभियान पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ेगा, जो देश को भी आगे ले जाएगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल की ऐतिहासिक श्रेष्ठता को हमें पुनर्जीवित करना रहेगा। हम हमेशा सुनते आए हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। हमें इससे प्रेरणा लेते हुए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ से ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए
कोरोना काल से संघर्ष करते हुए आज आपने इस एजीएम में जो पीपल प्लेनेट एंड प्रॉफिट का विषय उठाया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को लगता है कि ये तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल प्लेनेट एंड प्रॉफिट एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये तीनों एक साथ फ्लरिश कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे भारत में हमने एलईडी बल्ब का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। अभी एलईडी बल्ब अपने आप में एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। 5-6 वर्ष पहले एक एलईडी बल्ब 350 रुपये से भी ज्यादा में मिलता था, आज वही बल्ब 50 रुपये तक में मिल जाता है। आप सोचिए, कीमत कम होने से देश भर में करोड़ों करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब घर घर पहुंचे हैं, स्ट्रीट लाइट्स में लग रहे हैं। ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि इससे उत्पादन की लागत कम हुई है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। इससे लाभ किसको मिला है? पीपल को, आम देशवासी को, जिसका बिजली का बिल कम हुआ है। एक मोटा मोटा अंदाज में लगा सकता हूं, आज प्रतिवर्ष एवरी ईयर देशवासियों के करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल में एलईडी की वजह से बच रहे हैं। 19,000 करोड़ रुपए आपके जेब में बचना, ये बचत गरीब को हुई है, ये बचत देश के मध्यम वर्ग को हुई है और लगातार होने वाली है। इसका लाभ प्लेनेट को भी हुआ है। सरकारी एजेंसियों ने जितने एलईडी बल्ब कम कीमत पर बेचे हैं, अकेले उससे ही हर साल करीब करीब 4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ है। यानी प्रॉफिट दोनों को है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उत्पादक भी कमाता है, विक्रेता भी कमाता है और खरीदार भी कमाता है, और प्लेनेट का तो भला हुआ ही हुआ है। अगर आप सरकार की अन्य योजनाओं और फैसलों को भी देखें तो बीते 5-6 वर्षों में पीपल प्लेनेट एंड प्रॉफिट का ये कंसेप्ट जमीन पर और मजबूत हुआ है। अब जैसे अभी आपने भी देखा है कि कैसे सरकार का बहुत ज्यादा जोर इनलैंड वाटरवेज पर है। हल्दिया से बनारस तक तो वाटरवेज चालू हो चुका है। अब मैं बनारस का एमपी हूं, इसलिए मुझे आपसे जुड़े हुए आदत भी आता है। अब वो चालू भी हो चुका है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी वाटरवेज बढ़ाया जा रहा है। इन वाटरवेज से पीपल का फायदा है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होता है। इन वाटरवेज से प्लेनेट का भी फायदा है, क्योंकि इससे ईंधन कम जलता है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को कम करेगा, रोड पर ट्रैफिक कम करेगा, सामान सस्ते में पहुंचाएगा, सामान सस्ता मिलेगा, शॉर्टेज रूट से जल्दी पहुंचेगा, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यानी पीपल भी है, प्लेनेट भी है, प्रॉफिट भी है। साथियों, भारत में एक और अभियान अभी चल रहा है, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का। इसमें पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट तीनों ही विषय एड्रेस होते हैं। विशेषकर
पश्चिम बंगाल के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके यहां जूट का कारोबार बढ़ने की संभावना अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या आप लोगों ने इसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया? क्या अब पैकेजिंग मटेरियल, नई नई वैरायटीज, नए नए थैलिए, नए नए पर्स प्लास्टिक की जगह पर जूट से बनाना शुरू किया कि नहीं किया? एक तरह से मैं कहूंगा ये एक निर्णय, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का एक निर्णय, आप आईसीसी के मेंबर जो उस इलाके में ज्यादा काम करते हैं, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में है। और आपको तो इस मौके का और फायदा उठाना चाहिए, और अगर ये मौका छोड़ देंगे तो फिर कौन मदद करेगा? सोचिए, जब पश्चिम बंगाल में बना जूट का बैग हर किसी के हाथ में होगा तो बंगाल के लोगों को कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। साथियों, पीपल सेंट्रिक, पीपल ड्रिवन और प्लैनेट फ्रेंडली डेवलपमेंट की अप्रोच अब देश में गवर्नेंस का हिस्सा बन गई है। जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है वो भी पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट के विचार के अनुकूल ही है। यूपीआई के माध्यम से हमारी बैंकिंग टचलेस, कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस और 24/7 365 डे संभव हो पाई है। भीम ऐप से ट्रांजेक्शन के अब नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रुपे कार्ड अब गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, देश के हर वर्ग का पसंदीदा कार्ड बनता जा रहा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो क्यों ना गर्व के साथ रुपे कार्ड का इस्तेमाल करें। साथियों, अब देश में बैंकिंग सर्विस का दायरा उन लोगों तक भी पहुंच पाया है जिनको लंबे समय तक हैव नॉट्स की श्रेणी में रखा गया था। डीबीटी, जेम, JAM, यानी जनधन, आधार, मोबाइल के माध्यम से बिना लीकेज करोड़ों बेनिफिशियरीज तक, करोड़ों लाभार्थी तक जरूरी सहायता पहुंचाना संभव हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और मैं चाहूंगा सभी व्यापारी आलम इसको ध्यान से सुने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM, आप वेबसाइट पे जाकर इसकी डिटेल देख सकते हैं। GEM ने पीपल को सरकार के साथ जुड़कर प्रॉफिट कमाने का एक अवसर दिया है। आप ये जानते ही हैं कि जेम प्लेटफॉर्म, GEM, जेम प्लेटफॉर्म पर छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता हो, MSME हो या बड़ा व्यापारी हो, सीधे सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं। और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पहले तो जब तक इतने लाख का टर्नओवर नहीं होता है, इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता है, इतना बड़ा नाम नहीं होता है, तब तक आप सरकार को माल बेचने के लिए सोच ही नहीं सकते थे। आज हमने वो रास्ता खोला है कि आप सीधे भारत सरकार की बड़ी से बड़ी इकाई, इवन PM ऑफिस में भी आपका माल पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री को भी पहुंच सकता है। इसलिए मेरा ICICI से भी आग्रह है कि आपके जो मेंबर्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेम से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए और अपने उत्पाद सरकार को खरीदने ही पड़े ऐसी क्वालिटी का माल लेकर के आए। देखिए कैसी स्पर्धा चलती है, और सरकार की ताकत नहीं है कि आपके अच्छे मूल्य को ठुकरा सके,
यह सब ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, हर एक का बेनिफिट है। अगर आपसे जुड़ा हर मैन्युफैक्चरर जेम से जुड़ जाएगा तो छोटे कारोबारी भी अपने प्रोडक्ट सीधे सरकार को बेच पाएंगे। साथियों, जब हम प्लेनेट की बात करते हैं तो आप भी देख रहे हैं कि आज आइसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बन रहा है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो लाभ भारत अपने लिए देखता है उसको पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए कोशिश की जा रही है। मेरा इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों से अनुरोध है कि रिन्यूएबल તો ખેડૂતોને સશક્ત કરવાનો સરકારનો પ્રયાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા હતા। કોલસાના માઇનિંગ ક્ષેત્રમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો, એમએસએમઈની વ્યાખ્યા બદલવામાં આવી છે, સરકારે જે નિર્ણયો કર્યા છે ખેડૂતો માટે તેનાથી ખેડૂતો સશક્ત બનશે। લોકલને વોકલ કરવાનો સમય આવી ગયો છે, લોકલ માટે સૌ કોઈએ વોકલ બનવું જોઈએ, આ સમય આવી ગયો છે તેવું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું। સાથે સાથે જે રીતે એમએસએમઈ માટે નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે, એમએસએમઈને જે સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે તેનાથી એમએસએમઈ પણ સશક્ત બનશે। સોલાર રિચાર્જેબલ બેટરી કા બહોત બડા માર્કેટ બનને વાલા હૈ, ક્યા ભારત કા ઉદ્યોગ જગત ઇસકા નેતૃત્વ કર સકતા હૈ? इस क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। आईसीसी और उसके सदस्य 2022 जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा और 2025 जब आईसीसी अपने 100 वर्ष पूरा करेगा तो इन अवसरों से जुड़े लक्ष्यों में इस विषय पर भी अपने टारगेट तय कर सकते हैं। साथियों, ये समय अवसर को पहचानने का है, खुद को आजमाने का है और नई बुलंदियों की ओर जाने का है। ये अगर सबसे बड़ा संकट है तो हमें इससे सबसे बड़ी सीख लेते हुए इसका पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है, आपके साथ है। आप बेहिचक आगे बढ़िए, नए संकल्पों के साथ, नए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र में है और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत के मूल में जो मंत्र है वो है आत्मविश्वासी भारतीय। हर भारतीय आत्मविश्वासी होगा तो आत्मनिर्भर भारत की यात्रा बहुत कम समय में हम जीत लेंगे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, चोलाए चोलाए बाजवे जोयेर मेरी, चोलाए चोलाए बाजवे जोयर मेरी, पायर बेगे ही पोत केटे जाए कोरिश्ना आर दे। यानी हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो, सोचिए ये कितना बड़ा मंत्र है, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। जब इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे सामने है तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अपनी स्थापना के 100 वर्ष का समारोह मनाएंगे, जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा तो आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर हमारा देश मजबूती के साथ काफी आगे बढ़ चुका होगा और आपके साथ सहयोग से बढ़ चुका होगा।
130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति से बड़ा होगा। 130 करोड़ देशवासियों के हर कदम में आत्मनिर्भरता का मिजाज होगा। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सुरक्षा। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करी रहा था। लोकल ने वोकल बनावानो समय आव्यो छे तेवी वात तेमणे करी पोताना संबोधन में। साथ ज कोलसा अने माइनिंग क्षेत्र में जे सुधारो करवामां आव्यो छे तेनो पण उल्लेख तेमणे पोताना आ संबोधन में कर्यो। साथे साथे एमएसई ने मजबूत करवा माटे एमएसएमई नी जे व्याख्या बदलवामां आवी छे, एमएसएमई माटे जे पगला लेवामां आव्या छे सरकार तरफथी तेनो पण तेमणे उल्लेख कर्यो। एक नई दिशा मिली है, एक नया संकल्प मिला है, एक नया मार्ग मिला है और विश्व भर में आज भारतीय सिर्फ ऊंचा करके रह सकता है, जी सकता है, घूम सकता है, व्यवसाय कर सकता है। ये प्रेरणा आपने और आपकी सरकार ने दी है। आपने एक विश्वास दिया है कि हम कर सकते हैं। We can do it. And sir, today I tell you that we will do it. Indian industry will rise to the challenge. And industry in Eastern India will definitely rise to the challenge. We are grateful to you, sir, for your time, for your guidance, for the vision, and for the honor that you do the Indian Chamber of Commerce and the industry in Eastern India by your address and your participation. We are truly, truly honored. And we promise you, we will fulfill our responsibility to the fullest. Namaskar. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहा था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। अर्थव्यवस्था माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र आप्यो छे, साथे साथे आ दुनिया ने प्लास्टिक मुक्त करवानुं पण तेमणे आह्वान आप्यु छे। वन टाइम यूज जे प्लास्टिक होय छे, सिंगल यूज प्लास्टिक होय छे, तेनो उपयोग न करवानुं पण तेमणे वात कही छे। साथे साथे औद्योगिक क्षेत्रों में जे रीते बदलाव करवामां आव्या छे, नाना उद्योगों माटे जे पगला लेवामां आव्या छे तेनी पण वात कही। साथे साथे कोरोना ने लईने पण तेमणे पोताना संबोधन में उल्लेख कर्यो हतो। कोरोना वायरस नी सामे अत्यारे आखो देश लड़ी रह्यो छे, हाल में देश सामे मोटा पड़कारो छे। कोरोना वायरस नी सामे दुनिया लड़ी रही छे, भारत देश पण कोरोना सामे लड़ी रह्यो छे। आईसीसी नो भारत ना विकास में मोटो फाळो होवानी वात कही। साथे ज तेमणे कह्युं के आफत ने अवसर में फेरवानो आ समय छे, साथे मळीने समस्यानो सामनो करीशुं। समग्र विश्व अत्यारे हाल कोरोनानो सामनो करी रह्युं छे, त्यारे एक ज मूळ मंत्र छे, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मजबूताई थी आ समयगाळामां सौ एकबीजानी साथे उभा रहेवानुं छे, तो ने तो ज आ समयमां जीताशे। अर्थव्यवस्था माटे पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए मंत्र आप्यो। खेडूतोनी पण वात तेमणे कही, खेडूतोने सशक्त बनावा माटे सरकारे जे पगला लीधा छे, जे निर्णय लीधा छे, तेनाथी खेडूतो मजबूत बनी रहा है।